समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज श्रीपुर गाहर पश्चिमी, यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं रमेश मांझी जी, जो वर्तमान में मुखिया भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किए, अभी हम इनके घर पे आए, लग नहीं रहा इनका घर है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जो मुखिया जी हैं वो अपना घर अच्छा नहीं रखते हों। बात सब कुछ आप जानते ही हैं। विशेष हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कैसे कई ऐतिहासिक काम किए और कोरोना की वजह से जो कुछ काम प्रभावित हो गया वो अपने इस कार्यकाल में कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रमेश मांझी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आप ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? राजनीतिक में आने का उद्देश्य था कि समाज को सेवा करना, समाज को सकुशल काज करके दिखाना, यही मेरा उद्देश्य था। राजनीति में सेवा के भाव से आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी परियोजना है सात निश्चय, जिसमें उन्होंने जल नल गली नली जैसी कई योजनाओं को जोड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को कैसे आगे साकार करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का साकार तो जब होगा, चूँकि ये कोरोना काल में तो सारा काज प्रभावित पड़ गया, एक एक जनता हम लोग सब तराई तराई हो गए। तो आगे उम्मीद है कि चुनाव प्रक्रिया के बाद जब हमको पुनः मौका मिलता है, इस माननीय मुख्यमंत्री जी का सपने का साकार करने का काम करेंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, जो ग्रामीण रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए एक कॉस्ट ऑफ लाइफ देकर सरकार ने इस योजना को लाया। काफ़ी मात्रा में अभी भी जो कोरोना के बाद जो लोगों के घर वापसी हुई है, जो पलायन था वो कम हुआ है, तो अभी नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आगे जब हमको पुनः मौका मिलता है तो नरेगा का, जैसे पशु शेड का निर्माण काज, इसको बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ बहुत सारा योजना है नरेगा का, जिसमें हम आगे काज करेंगे। ये युवा आज नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या से गुजर रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की कई योजनाएं हैं, जिसमें वो आकर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगाएं। ऐसे में आपके पास क्या प्रोग्राम है उन युवाओं के लिए? उन युवाओं के लिए मेरा प्रोग्राम है कि आने वाले समय में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का व्यवस्था करवाएंगे, और उन सभी युवाओं के जोश के लिए हमने खेल का मैदान का भी व्यवस्था करवाएंगे। बहुत अच्छा। ये आधी आबादी में महिलाओं की आबादी है, महिलाएं ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी जैसी समस्याएं से जूझ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार ने कई उद्योग विभाग के द्वारा योजना बनाई है, जिसमें रोजगार और स्वरोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दिया गया है। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या योजना है आपके पास? मेरे पास, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए ऋण का व्यवस्था किया जाए, जिससे सभी बेरोजगार महिला युवाओं के लिए ऋण हो, उससे मेरा युवा और जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनका विकास के लिए काज आगे हो। भ्रष्टाचार इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वैसे में आप अपने पंचायत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कौन से बातों को अपनाएंगे? क्या वार्ड सभा कर करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? जी हाँ, आप अपने यहाँ तो कर ही रहे हैं। जी, अपने पंचायत के अंतर्गत सरकार का जो मुख्य भूमिका है, त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जो आम सभा, वार्ड सभा लगाया जाता है, तो समय आने पर प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा लगा करके और जनता के बीच प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करके उनका मार्गदर्शन दिलाना है।
वो कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं विकास की, वो कौन से वादे हैं जो आपको इस कार्यकाल में कोरोना आने की वजह से, जो लगभग 2 साल तक कोरोना पैनमिक रहा, इस वजह से विकास रुक गया, तो इस बार अपने नए लोगों को, अपने वोटरों को जो पुनः आप आ रहे हैं जीतकर, तो पहले अब वो 5 काम कौन सा है जो प्राथमिकता के आधार पर आप करेंगे जो इस कार्यकाल में कोरोना की वजह से नहीं कर पाए? पहला काम कि मैं, मेरा जो सुभिक्षा है कि पंचायत भवन जो भवनहीन है उसको बिहार सरकार पंचायत भवन बनाना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य केंद्र बनाना है, पशु उपस्वास्थ्य केंद्र बनाना है, और अन्य कार्य जो है जो कि अभी आप बच्चों के लिए मैदान भी बोल रहे थे, खेल का ग्राउंड भी, जी और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाना है। ये रमेश मांझी हैं जो गांधी के सपनों के भारत को अपने विचार, अपनी योजना और अपने दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो टीम के साथ अपना पांच बताइए क्या क्या हुआ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण योजना 7 नीचे के अंतर्गत नल जल योजना, तो हमने पूरे पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों में नल जल का काम पूरा किया। उसके बाद जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया, साथ ही साथ हमारे पंचायत के अंतर्गत जो हम लोग का ग्राम देवता है ब्रह्म स्थान, उस ब्रह्म स्थान के निकट उनके प्रांगण में मिट्टी करण एवं छहार दीवाली निर्माण कार्य किए, सौंदर्यकरण, और पूरे पंचायत के अंतर्गत हमने जगह जगह स्ट्रीट लाइट का काम किया।